क्या संडे बनेगा फंडे। आज आईपीएल के अंदर होने जा रहे हैं दो बड़े मैचेस। जो दूसरा मैच है वो तो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि जो पिछले आईपीएल के फाइनलिस्ट थे राजस्थान रॉयल वर्सेस गुजरात टाइटंस, आज वो आमने सामने फेस करेंगे। और जो पुराना बदला राजस्थान का जो फाइनल वो हारे थे, क्या वो बदला आज ले पाएंगे। इसी के साथ से पहले होगा वानखेड़े के अंदर मुंबई वर्सेज केकेआर का मैच। 5 दिन के बाद मुंबई का मैच है और 48 घंटे में दूसरा मैच खेलेगी केकेआर। तो भाई आज के दिन कौन जीतेगा, कौन जिसे कहते हैं हारेगा, इसका फैसला करते हैं। सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दिस इज वलीद, और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को भी लाइक कर दे। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई वर्सेस केकेआर के मैच की। मुंबई का आर्चर फिट है कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब मुझे भी नहीं पता। लेकिन केकेआर का एंड्री रसल मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर फिट है, तो मुझे लग रहा है कि डेविड वी से आज का मैच खेलेंगे। इसी के साथ साथ केकेआर शायद जेसन रॉय को भी चांस दे, रहमानुल्लाह गुरबाज़ को बिठा के रॉय को खिलाया जाए, तो मतलब कि केकेआर के अंदर चेंजेस एक्सपेक्टेड है। लेकिन हमने जो मजे की चीज देखी ना, केकेआर बेशक अपने 2 मैचेस हार है, लेकिन वो 2 लड़के हार है। एक तो उनका बारिश की नजर हो गया था, वो भी वो जीत सकते थे, लेकिन पिछला जो मैच था उन्होंने फाइट किया नीतीश लेकिन सवाल यह कि सूर्य कुमार यादव क्या आज के मैच के अंदर चलेगा, बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हैरी ब्रुक चल गया, रिकू सिंह चल रहा है, तो मतलब सूर्य कुमार यादव का भी चलना बनता है। सिकंदर रजा भी चल चुका है आईपीएल के अंदर, तो कब सूर्य कुमार यादव चलेगा, इसका जवाब है आज सूर्य कुमार यादव चलेगा। जी हाँ, मैं कह रहा हूं आज सूर्य कुमार यादव चलेगा। और आज का जो मैच है मुंबई इंडियंस वानखेड़े के स्टेडियम के अंदर आज अपना मैच जीतेगी। दोबारा बोल रहा हूं, आज का मैच मुंबई इंडियंस जीतेगी। और आज का जो प्लेयर ऑफ द डे होगा वो सूर्य कुमार यादव होगा। इसी के साथ साथ एक्सपेक्टर की मैं बात करूं तो रोहित शर्मा होगा, और इनकी टीम से उसे कहते हैं ना कैमरून ग्रीन एक्सपेक्टर होगा। बात करें केकेआर की, केकेआर अच्छी टीम है, केकेआर फाइट भी कर सकती है। मुझे जहां तक लगता है इनकी टीम में से एक्सपेक्टर जो हो सकते हैं वो होगा जेसन रॉय, इसी के साथ नीतीश राणा एंड रिंकू सिंह मुझे लगता है। अगर बात करें अगले मैच की, जो बड़ा मैच है राजस्थान वर्सेस गुजरात का मैच, अहमदाबाद के अंदर ये मैच है, और अहमदाबाद के अंदर गुजरात को हराना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन पहले ही बता देता हूं, आज का मैच राजस्थान रॉयल्स जीतने वाली। जी हाँ, राजस्थान रॉयल्स आज का मैच जीतने वाली। आप सब जानते हैं मैं गुजरात को बड़ा सपोर्ट करता हूं, मुझे बड़ी अच्छी टीम लगती है। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, आज का मैच जो है वो राजस्थान गुजरात को हरा देगा। बटलर के जिसको कहते हैं ना लीड करेगा इस टीम को। इसी के साथ साथ दोनों टीमों में तगड़े प्लेयर्स हैं, दोनों टीमें बहुत जबरदस्त हैं, दोनों टीमें मेरी जिसको कहते हैं ना इस आईपीएल में बड़ी वन ऑफ द फेवरेट टीम्स हैं। दोनों टीमें अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है, जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा उसके फैंस भी होंगे, तो मुझे मैं दोनों टीमों को पसंद करता हूं। लेकिन मुझे लगता है आज का जो मैच है राजस्थान रॉयल्स जीतेगी। अगर बात करें एक्सपेक्टेड प्लेयर्स की, तो मुझे लगता है कि राजस्थान की टीम से बटलर तो हमेशा की तरह लीड करेंगे ही करेंगे, साथ जेसन रॉयल्स मुझे लगता है कि बड़ा रोल अदा करेंगे। इसी के साथ साथ इंडियन प्लेयर्स में से जायसवाल और संजू सैमसन का आज दिन होगा, क्योंकि संजू सैमसन पिछले 2 मैचों में परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए, तो इस मैच में तो परफॉर्मेंस दिखाएगा ही दिखाएगा। अगर बात करें एक्सपेक्टेड की गुजरात टाइटंस की, तो मुझे लगता है कि ये टीम डिपेंड करेगी हमेशा की तरह राशिद खान के ऊपर। इसी के साथ साथ बल्लेबाजी पे ये बहुत डिपेंड करेंगे, सुदर्शन के ऊपर, गिल के ऊपर और राहुल तिवातिया के ऊपर। डेविड मिलर पे भी इनकी बड़ी नजरें होती है, तो ऑलमोस्ट हर किसी पे डिपेंड करते हैं। लेकिन ये अच्छी टीम है, इसका जो प्लेइंग 11 है ना वो सारी की सारी एफर्ट्स डालती है मैच जीतने के अंदर। लेकिन मुझे लगता है आज का मैच ये लोग हार जाएंगे, आज का मैच राजस्थान रॉयल्स ही जीतेगी। आपको क्या लगता है जरूर कमेंट्स के अंदर बताएं, और आप बताएं क्या पिछले फाइनल का बदला आज राजस्थान रॉयल्स ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। मैंने अभी 2 टीमें बता दी, मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स, ये दोनों आज का मुकाबला जीतेंगे। लेट्स सी देखते हैं क्या होगा।